हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं पेंट प्लाजो की कटिंग। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने लेंथ रखनी है 35, तो हम सबसे पहले यहाँ 2 इंच का फोल्ड करने का निशान लगा लेंगे और इजी वे होता है, हमने निशान लगाया और इसको ऐसे फोल्ड कर दिया नीचे, ऐसे। ये देखिए, मैंने इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब हमारा है 35 का, तो हमें इसको 2 पार्ट्स में कट करना होता है, फ्रंट पार्ट अलग और बैक पार्ट अलग। 35, जैसे कि हमें 35 चाहिए, ठीक है। बट हमें फ्रंट में बेल्ट लगानी होती है, जो कि हम 1.25 इंच की कुछ मान करके चलते हैं, तो हम इसको 1 इंच कम कर देंगे, एज लाइक हम इसको 34 रखेंगे। तो अब हम इसका आसन वाला पार्ट रेडी करेंगे। ये जो कन्नी है, इसकी कन्नी में कट कर दूंगी। तो आसन के लिए हमें चाहिए, जैसे सबसे पहले मैं इसकी अपर वाला पार्ट रखूंगी, 12.5। 12.5 पे मुझे आसन रखना है 10 इंच। ये अपने फिगर के अकॉर्डिंग हम करते हैं 10 इंच। अब 10 इंच पे यहाँ 12.5 रखा था और यहाँ मैं 14.5 या 15 के हिसाब से रखूँगी। तो ये मैंने 15 इंच का रख लिया। तो अब 15 इंच एक्चुअल में इसको आप ऐसे करोगे और इस वजह से, आप अगर चाहते हो तो इंच टेप ऐसे रख के स्ट्रेट लाइन लगा सकते हो, फिर ऐसे स्ट्रेट लगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें अब ये हम कट डाल देंगे। ये बहुत ज़्यादा डीप कट नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर इसको डीप कट करेंगे तो ये खींच पड़ती है यहाँ पर। अब हम करते हैं इसका बॉटम कट। उसके लिए हमें सबसे पहले देखिए, ये मैंने 15 रखा था, 15 इंच रखा था, तो इसका हाफ 7.5, और नीचे भी हम 15 इंच का रख के, 15 इंच का रख के उसका 7.5। तो ये सेंटर है, ठीक है, ये हमारे प्लाजो का सेंटर है। अब हमें क्या करना होगा, अगर जैसे मैंने मोहरी रखनी है, इसका पोंचा रखना है 6 इंच का, तो मैंने 3 का मार्जिन इधर लिया और 3 का इधर, 6 इंच हो गया ये। अब इसमें मुझे सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन इधर रखना है 1.5 इंच का और इधर रखना है 1 इंच का, ठीक। अब हम करेंगे इसको, मैं इधर मिला लेना है यहाँ पर, इसके जो हाफ पोर्शन है ना, ये वाला, इसके बिल्कुल इक्वली हम इसको यहाँ मिला लेंगे। लाइक दिस। अब जब हम इसको मिलाएंगे, एक्चुअल में हमारे सिलाई वाला पोर्शन ये है, बट हमने ये 1.5 इंच की एक्स्ट्रा मार्किंग की है, यहाँ पर बिल्कुल माइनर सी गुलाई आएगी, बिल्कुल थोड़ी सी, ठीक है। थोड़ी सी गुलाई के बाद हम इसको स्ट्रेट कर देंगे। इस तरह से देखिए, अब ये हमारा प्लाजो रेडी है कटिंग के लिए। अब ये सिलाई वाला हिस्सा ऐसे जाएगा, एज यू कैन सी, ये सिलाई के लिए लगाया है मैंने और ये कटिंग के लिए एक्स्ट्रा, इस तरह से। तो देखिए, ये फ्रंट पार्ट की मैंने कटिंग की है, सॉरी निशान लगाए हैं फ्रंट पार्ट के, अब मैं इसको कटिंग करूँगी। अब ये बैक पार्ट के लिए हमने कपड़ा बिछा लिया, अब हम इसको यहाँ रखेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसके ऊपर कपड़ा बिछा दिया, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लेना है और ये 1.5 इंच का मैं यहाँ रखने वाली हूँ,
कुछ लोग इधर रखते हैं, कोई इशू नहीं, इधर रखो तब भी इक्वल आएगा, इधर रखेंगे तब भी इक्वल आएगा। अगर हम इधर रखते हैं जब हम ये वाली सिलाई को जोड़ते हैं ना, तो हमारा आसन इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। इधर रखते हैं तो ईजिली हमारा आसन जुड़ जाएगा। ये जो 1.5 इंच का मार्जिन मैं एक्स्ट्रा लेके चल रही हूँ, ये सेम एज लोगे आप कपड़े के अकॉर्डिंग। इधर से हमने इक्वल रखा इसको, ऐसे। अच्छा, इसमें हमें क्या करना होता है देखिए, अब इसमें पहले तो मैंने ये 1.25 इंच का बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा रखा, ठीक है। उसके बाद मैंने ये 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा रखा, और अब इसके बाद मैं 2 इंच और एक्स्ट्रा रखूँगी, क्योंकि जो बैक पोर्शन है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो कुल मिला के ये मेरा 5 इंच का बड़ा चला गया फ्रंट, जो इसका फ्रंट वाला पार्ट है। ऐसे ही कम से कम 2.5-3 इंच का यहाँ एक्स्ट्रा होना चाहिए हमारे, मतलब हमें ये तिरछा ऐसे कट करना पड़ेगा ऐसे। ये देखिए। अच्छा, एक और हमें काम करना होगा, ये जैसे हमारा ये वाला पोर्शन है, फ्रंट पोर्शन है ये वाला, हमें इसमें कम से कम ये 1.5 या 1.75 इंच की 1.75 इंच की डीप कटिंग देनी पड़ेगी फ्रंट में। अब ये जो मैंने डीप कट लगाया था, हम इसकी कटिंग करेंगे ऐसे, ठीक है। और ये मैं सेंटर में एक प्लेट डालते हैं, एक एक सेंटर में। तो अब इसके लिए मैं निशान लगा दूँगी और इसको एक टुक लगा दूँगी। देखिए, ये आप 4.5 तक का रख सकते हो, या आप चाहो 5 भी रख सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर हाइट, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप इसको करोगे। तो पेंट प्लाजो रेडी हो चुका है। अब जो बचा हुआ पीस है, इसमें से मैं यहाँ बेल्ट के लिए कट कर लूँगी। अब ये देखिए, मैंने बेल्ट के लिए पट्टी कट कर ली है, इसमें हम बुकरम अटैच करेंगे। तो ये हमारा प्लाजो कट के रेडी हो चुका है।